दो लक्ष्य मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रखना चाहूंगा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जो मेरे स्टॉक पर अभी जो स्टॉक मेरे रडार पर है बैंकिंग में से फेडरल बैंक बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। इंट्राडे के चार्ट्स पर इसने एक ट्रायंगुलर पैटर्न प्लस अफ्लैक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। अभी स्पॉट में 98.15 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस मैं स्पॉट लेवल की बात करूंगा 96.90 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं मानता हूं कि अगर ये दो तीन दिन रखते हैं ये स्टॉक तो हो सकता है ये स्टॉक 105 तक भी जा सकता है। दो दिनों में फेडरल बैंक खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर किसी को ऑप्शन के जरिए खरीदारी करनी है तो ऑप्शन के जरिए मैं मानता हूं कि फेडरल बैंक का कॉल ऑप्शन जो कि फरवरी महीने के सीरीज का हमें बाय करना चाहिए। 98 का कॉल ऑप्शन जो अभी करीबन 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4.80 रुपए का, यानी 20 से 25 रुपए अभी 20 से 25 पैसे का रिस्क है और पहला लक 6.5 रुपए का है, बेहतरीन आरआर है, इसलिए फेडरल बैंक में ट्रेड करने की सलाह। तो फेडरल बैंक में आपको ट्रेड कर